राज्यों में अब तेंदुपत्ता 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल कोंडा गांव में आयोजित जंगल जतरा सम्मेलन में संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि वर्ष 2024 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा होगी और इसके संग्राहकों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। इसके साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू की जाएगी। क्षेत्र में जो तेंदुपत्ता जिसको हरा सोना बोलते हैं और विशेषकर ये बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में ये तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है, ऐसे 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, उनको बधाई देने आए, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि अब हमारी सरकार 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी। 5,500 प्रति मानक बोरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के वनोपजों का स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण और इनके वैल्यू एडिशन की व्यवस्था की जाएगी। इमली के विषय में बात कर रहे थे हमारे वन मंत्री जी, आपके बस्तर क्षेत्र में इमली भारी तादाद में होता है और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो बस्तर और सरगुजा संभाग है इस पर विशेष फोकस किया हुआ है। दोनों संभाग का चौमुखी विकास हो इसलिए इमली का भी कैसे वैल्यू एडिशन हो इस पर सरकार ध्यान देने वाली है। आज जो इमली का कीमत कम मिलता है उसको कैसे उसका वैल्यू एडिशन करके हमारे जो तेंदुपत्ता के जो संग्राहक नहीं इमली के जो संग्राहक है उनको अधिक से अधिक पैसा मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करने वाली है। इस अवसर पर बस्तर के कलाकारों ने लोक सांस्कृतिक पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और तेंदुपत्ता संग्राहक उपस्थित थे।